सो गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का तुम्हारे भाई का मिशन क्या है। तो गाइस जो आज का व्लॉग होने वाला है उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग अपने व्लॉग में ट्रांजिशंस कैसे कर सकते हैं, मतलब खुद के ट्रांजिशन आप कैसे डाल सकते हैं अपने व्लॉग में। तो मैं भी कुछ ट्रांजिशन अपने जो व्लॉग है उसमें यूज़ करता हूँ, तो वही सब आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि मैं अपने व्लॉग्स में क्या क्या ट्रांजिशंस यूज़ करता हूं। तो बात करता हूं सबसे पहले ट्रांजिशन की, वो है वैसे तो नॉर्मली ज़्यादातर लोग सो गाइस ये था कैमरा क्लैप ट्रांजिशन। ये काफ़ी पुराना हो चुका है, मतलब अब इसको अगर आप लोग यूज़ ना करो तो काफ़ी अच्छा है। मैं आप लोगों को कुछ सिंपल ट्रांजिशन बताऊँगा। अब चलते वापस उसी जगह पर जहाँ पर मैंने अपना कैमरा क्लैप किया था। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ये था कैमरा क्लैप ट्रांजिशन, ये काफ़ी पुराना हो गया है। तो बात करूँ सबसे पहले ट्रांजिशन की, वो है कैमरा क्लीन। मतलब अगर आप लोग एक्शन कैमरा यूज़ करते हो या मोबाइल से आप व्लॉग करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन होने वाला है। तो आप लोग काफ़ी अपने व्लॉग में बोलते हैं कि चलिए अब वहाँ जाके मिलते हैं, और ऐसा करने के बाद आप सीधा नॉर्मली आजकल देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ये कैमरा क्लैप करते हैं, बट उसकी जगह पर आप लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अब लोकेशन चेंज हो गई है अपने ट्रांजिशन से, जो कि कैमरा क्लीन ट्रांजिशन है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को क्या करना है, जो आपका थंब होता है उसको कैमरे के सामने लेके आना है, मतलब जो लेंस होता है उसके सामने लेके आना है और सिंपल उसको ऊपर की तरफ स्वैप करना है। एंड उसके बाद जब आप दूसरी लोकेशन पर आएंगे सिंपल आप लोगों को वापस से अपना जो थंब होता है उसको ऊपर की तरफ स्वैप करना है। एंड उसको बीच में जब आप भी एडिटिंग करते हैं तो उसको बीच में आप लोगों को कट करना है पहली वाली क्लिप को, मतलब थंब जब आपका आधे लेंस में आ जाए उसमें आपको उसको कट करना है। देन सेकंड क्लिप का जब आप लोग यूज़ कर रहे हैं अपने थंब को उसी के हाफ लेंस के थंब से उसको ऊपर की तरफ जब आप स्वैप करते हैं वहाँ से आपको ये जो दोनों क्लिप है वो साथ में आपको ज्वाइन करनी है। तो उसके बाद जो ये वाला ट्रांजिशन है वो आपका काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ इस वाले ट्रांजिशन को। एंड अब बात करते हैं सेकंड ट्रांजिशन की, वो है फ्लिप वाला, मतलब इसको क्या बोलेंगे, फ्लिप ही बोलेंगे, मैं इसको भी यूज़ करता हूँ काफ़ी। सिंपली आपको क्या करना है, सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये फ्लिप हुआ कैमरा एंड मैंने अपनी जो लोकेशन थी वो चेंज हो गई, आप लोगों को क्या करना है, सिंपल है, आप लोगों ने अपना जो कैमरा है जब आप व्लॉग कर रहे हो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली उसको हल्का सा ऐसे फ्लिप करना है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, हल्का सा फ्लिप करना है। एंड जब आप दूसरी लोकेशन पर जाओगे अपनी, मतलब जब आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली जो आपका कैमरा होता है उसको ऐसे रखना है एंड उसको अपनी तरफ घुमाना है, पहली वाली जगह पर आपको दूसरी तरफ घुमाना है। एंड जो आपकी दूसरी क्लिप होगी उसमें आपको इस कैमरे को ऐसे रख के और उसको अपनी तरफ घुमाना है। देन पहली वाली जो क्लिप है उसको सिंपली आपने जहाँ पर आप मुड़े थे उधर उसको कट करना है हाफ में, एंड यहाँ से जब आप स्टार्ट करोगे उसको हाफ से कट करके एंड इन दोनों को ज्वाइंट करना है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों ने देखा ये फ्लिप वाला ट्रांजिशन, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये भी मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूँ, तो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं थर्ड ट्रांजिशन की, सो जो तीसरी ट्रांजिशन है उसको नाम देंगे हम, क्या नाम देंगे, नाम तो पता नहीं क्या देंगे, बट वो नॉर्मली आप लोग तब यूज़ कर सकते हो जब आप कभी कभी बोलते हो ना कि अपने व्लॉग में, जैसे कि आप लोग काफ़ी बार बोलते हो कि अभी टाइम हो रहा है ऐसे करके आप लोग कुछ बोलते हो, तो आप लोग इसमें एक ट्रांजिशन दे सकते हैं, मतलब एक ट्रांजिशन इफेक्ट दे सकते हैं। आप लोग ने देखा होगा कि आप लोग अपने व्लॉग में या कोई और आपने व्लॉग देखा होगा या आप खुद भी अगर व्लॉग करते हो तो आप लोग काफ़ी अपने व्लॉग में बोलते हो कि सो गाइस अभी टाइम हो रहा है ऐसे करके आप लोग काफ़ी बोलते हो, तो आपने सिंपली करना है कि सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो आप लोगों ने देखा कि मैं था अभी अंदर की तरफ एंड अब बाहर आ गया हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन रहता है कि ऐसे, मतलब जब भी आप ऐसा बोलते हो कि सो गाइस अभी टाइम हो रहा है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी पहली बार ही यूज़ कर रहा हूँ, अभी एडिटिंग में देखता हूँ कि कैसा रहेगा। एंड आप लोग भी कर सकते हो सिंपली, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली अपना कैमरा घुमाना है ऐसे करके इस वाले इस हाथ तक, मतलब एल्बो तक आपने ये कैमरा लेके आना है। एंड सिंपली आप लोग या तो अंदर हो तो बाहर आ सकते हो, अगर बाहर हो तो सिंपली अंदर आ सकते हो। देन यहाँ से सो 11:30 एंड सेकेंडली ये, तो अब आप अंदर की तरफ आ गए, पहले आप बाहर थे एंड देन अब अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन रहता है। एंड अब बात करते हैं फोर्थ ट्रांजिशन की, सो जो फोर्थ ट्रांजिशन है वो वैसे सिनेमैटिक शॉट जो आप लेते हैं उसमें काफ़ी यूज़ होता है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कैसे करना है।
काफ़ी सिंपल था। आप लोग इसको सिनेमैटिक शॉट के लिए यूज़ कर सकते हो अपने, क्योंकि या तो आप लोगों को जो पहली क्लिप है या तो वो आपको एकदम जो खाली जगह हो वैसी लेनी है, या पहली जो क्लिप है या वो क्राउडेड रहनी चाहिए, बट वो सेकंड क्लिप से अलग होनी चाहिए। जैसा कि ये मैंने पार्क में बनाया सेकंड वाली क्लिप, एंड जो पहली वाली क्लिप देखी थी वो बाहर की तरफ थी, तो आप लोगों को ऐसे ही करना है, मतलब अलग अलग होनी चाहिए क्लिप, तो काफ़ी उसमें अच्छा इफेक्ट आ जाएगा ट्रांजिशन का। सो गाइस, अब बात करते हैं हमारे फोर्थ ट्रांजिशन की, जो कि फोर्थ ट्रांजिशन है उसके लिए आपको अभी वापस से अपने घर लेके जाता हूँ, जो कि मैंने वीडियो बनाई थी, तो चलिए पहले वहाँ चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि काफ़ी वीडियोस में हम ऐसी बनाते हैं जिसमें हम लेट हो रखे होते हैं, एंड उसके लिए अगर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट डालना है उस वीडियो में, तो जैसा कि आप लोगों ने घर पे देखा कि मेरे मुंह में, मतलब वो जो कैमरा था वो मैंने अपने मुंह पे ऐसे करके कुछ ऐसी चीज़ जुगाड़ उगाड़ करके, या जो अपना एक्शन कैमरा वो लगा रखा था यहाँ पर, देन जो भी था आप लोगों ने देख लिया कैसे करा था मैंने पूरा का पूरा इफेक्ट, तो वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहता है। जैसे कि आप लोग अपने घर में बोलते हो कि गाइस अब मैं काफ़ी लेट हो गया उस जगह में जाने के लिए, तो अभी फटाक से मिलते हैं आप लोगों को, ऐसे करके जब आप लोग बोलते हो, तो ये वाला ट्रांजिशन आप उसमें डाल सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि वो ट्रांजिशन कितना अच्छा लग रहा था, तो वापस अब उस वाले शेड में चलते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ आज का व्लॉग जो है वो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप लोगों को पता है यार क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बूम।